Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 10th English NCERT poem Fire and Ice, composed by an American poet Robert Frost. In this poem, the poet is sharing with us different opinions of different people regarding the end of the world. इस पोम में पोएट हमारे साथ अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस उनके विचार शेयर कर रहे हैं दैट हाउ दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड कि ये जो दुनिया है ये किस तरीके से एंड होगी. द टाइटल ऑफ द पोम इज फायर एंड आइस. हियर फायर इज द सिंबल ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लस्ट. जो फायर है वो अनलिमिटेड डिजायर्स और लस्ट का सिंबल है. वेयर इज आइस इज द सिंबल ऑफ हेट्रेड. जो आइस है वो हेट्रेड यानी नफरत का सिंबल है. लेट्स रीड दिस पोम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट इज सेइंग दैट सम पीपल बिलीव दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड विद फायर विच मीन्स डिजायर. कुछ लोगों का मानना है कि ये जो वर्ल्ड है ये डिज़ायर से एंड होगा, फायर से एंड होगा, जो कि फायर से एंड होगा यानी फायर डिज़ायर का सिंबल है, इच्छाओं से एंड होगा. जस्ट बिकॉज इन दिस वर्ल्ड पीपल हैव अनलिमिटेड डिज़ायर्स. लोगों की लाइफ में अनलिमिटेड डिज़ायर्स होते हैं. दिस इज़ अ बिजी वर्ल्ड. पीपल हैव बिकम क्लैप्टोमैनिक. लोग क्लैप्टोमैनिक बन चुके हैं. दे आर जस्ट रनिंग आफ्टर द मनी. लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं. दे वॉन्ट टू ग्रैब मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन टू देयर फिस्ट. लोग अपनी फिस्ट में सारी की सारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स को ग्रैब करना चाहते हैं. दे डोंट केयर अबाउट देयर फैमिली, देयर रिलेटिव, देयर सोसाइटी. वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में या अपनी सोसाइटी के बारे में कोई भी केयर नहीं करते. दे जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब मनी, मटीरियलिस्टिक थिंग, मनी और मटीरियलिस्टिक थिंग्स को ग्रैब करना चाहते हैं बिकॉज दे हैव टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स. वो पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने डिज़ायर्स फुलफिल करने हैं. बट इफ देयर डिज़ायर्स आर नॉट फुलफिल्ड बाय टाइम, अगर लोगों के डिज़ायर्स टाइम टू टाइम फुलफिल नहीं होते हैं, देन दे बिकम पैनिक, दे बिकम वरीड एंड दे फील एंगजाइटी. वो बहुत ज़्यादा एंगजाइटी फील करते हैं विच बिकम्स द कॉज ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड. और लोगों का एक सिंगल डिज़ायर भी क्या करता है, इस वर्ल्ड के एंड होने का कॉज बन जाता है. एक सिंगल डिज़ायर भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. तो ये जो वर्ल्ड है यहाँ पर हर किसी के डिज़ायर्स कैसे हैं, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं जो कि इस दुनिया के एंड होने का वो कॉज बन जाते हैं. फिर पोएट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. पोएट कहते हैं ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, सेल्फिश वर्ल्ड. पोएट कहते हैं कि वो इस सेल्फिश वर्ल्ड के बारे में हर एक चीज़ जानते हैं. तो पोएट उन लोगों को फेवर करेंगे. He will favor those people who say that this world will end with fire, which means desire. Poet कहते हैं कि मैं इस selfish world के बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ, तो मैं उन लोगों को फेवर करूँगा जो कहते हैं कि जो world है desire से end होगा. Let's read second stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes, it is also great and would suffice. In second stanza, the poet is saying that if this world will get second chance to perish, अगर ये world को second chance मिलेगा end होने के लिए, perish होने के लिए, surely second time it would be perished by hate. क्यों? ये जो second time ये अगर दुनिया तबाह होगी तो वो नफरत से तबाह होगी. Just because in this world people have enough hate in their soul instead of love for others. क्योंकि इस दुनिया में लोगों के दिलों में दूसरे के लिए नफरत है प्यार के बजाय. तो पोएट कहता है इफ दिस वर्ल्ड विल गेट सेकंड चांस टू पेरिश, अगर इस दुनिया को दूसरा चांस मिलेगा खत्म होने के लिए, तो सेकंड टाइम ये किससे एंड होगी, हेट से एंड होगी. बिकॉज इन द हार्ट्स ऑफ पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड देयर इज इनफ हेट इन प्लेस ऑफ लव फॉर अदर्स. लव के बदले क्या है, हेट है लोगों के दिलों में. तो दैट बिकम्स द कॉज ऑफ एंड ऑफ द वर्ल्ड वन डे. जो एक दिन क्या होगा, इस दुनिया के एंड होने का कॉज कारण बन जाएगा. तो पोएट कहते हैं टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. यहाँ पर पोएट क्या करते कहते हैं कि आइस इज ग्रेट इन इट सेल्फ. आइस अपने आप में ग्रेट है. जस्ट बिकॉज इट इज सफिशियंट
टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड. आई सब अपने आप में ग्रेट इसलिए है, क्यों? क्योंकि आई सफिशियंट है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट.